नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। थानानगुड़ पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ में दो छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नकदी, मोटरसाइकिल व अवैध हसला भी बरामद किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि थाना नकुड़ व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अम्बेटा रोड आसरा खेड़ी मोड़ से दो छात्री लुटेरे गौरव उर्फ कंटू टिंकू पुत्र रामनाथ को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो अवैध तवंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, लूट के 4600 रुपये नकद, 1 आधार कार्ड व 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उसके बाद जो है गंगो में पेट्रोल पंप लूटा गया था। उसके बाद एक हमारे यहाँ जो कुतुब शहर में भी रिसेंटली 3 महीने देसी शराब की ठेका, जिसमें गोली मार के जो है लूटने की प्रयास किया था। लूट तो कुछ हो नहीं पाया, वही सब में एक ही हुलिया, एक ही जैसे हरकत और मोडस ऑपरेंडी एक ही जैसा। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी दिन से अलग अलग टीम गठित करके कर रहे थे। वो सफलता कि दो उस गैंग का मेंबर्स अरेस्ट हुए, जिनके नाम गौरव कंटू टिंकू पुत्र रामनाथ। तो और भी तमाम लोग इसमें वांटेड हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक होटल के सभागार में बुधवार की रात पंजाबी महासंगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासंगठन द्वारा कराए गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बस स्टैंड पर लगाए गए 49 दिन के जल शिविर में अपनी सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजीव गुम्बर ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही अध्यक्ष योगेश दुआ ने महासंगठन की युवा कमेटी में शामिल हुए युवाओं का फूल मालाओं से स्वागत किया और कहा कि जल्दी युवा कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में नीरज कामरा, योगचुक, दीपक रहेजा, सरदार भगत सिंह, राहुल जाम, संजीत अरोड़ा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम पंजाबी महासंगठन नगर में एक युवा इकाई का गठन करने जा रहे हैं, जिससे संगठन को रचनात्मक और सामाजिक कार्यों के लिए बल मिलेगा। और आज ही हम पीछे हमने जल शिविर लगाया था, उस जल शिविर में सेवा करने वाले साथियों को भी हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा आने वाले समय में नगर में कैसे सामाजिक और कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद। सहारनपुर के श्री रामलीला जुबली पार्क में बुधवार की रात श्री राम जन्म का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम के बाल रूप को देखकर सभी श्री राम के भक्त भाव विभोर हो गए एवं राजा इंद्र और मेघनाथ का संवाद सबको बहुत भाया तथा महाराजा रावण द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाना और भगवान भोलेनाथ जी का तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर अपना दुष्ट बनाने वाला अभिनय करना सबको बहुत ही पसंद आया। इस दौरान रामलीला में प्रधान महेंद्र तनेजा, विवेक दुआ, राजकुमार नरूला, रम्मी धवन, अनिल अरोड़ा, साजन गंगा, नीरज कामरा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर के बेहट बस स्टैंड में चल रही प्राचीन रामलीला में बुधवार की रात ताड़का वध का मंचन किया गया, जिसको दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया।
एक बार हेलो हेलो एक बार प्रेम से। सहारनपुर में दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के छात्र व छात्राओं का धरना आज 18वें दिन भी जारी रहा, जिसमें बृहस्पतिवार की दोपहर छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचकर गाड़ियों की 5 रुपए में सफाई कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आइए आइए, 5 रुपए में गाड़ी साफ करवाइए। करो करो, तो अपना काम करो। पीछे भाई हम पिछले 18 दिन से शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, लेकिन ऐसा हमें लग अब हमें ऐसा लगने लगा है कि शांतिपूर्वक करने से सरकार हमारी नहीं सुनने वाली, तो आज हम विरोध प्रदर्शन पे उतरे हैं। ये दुर्दशा सरकार को देखनी चाहिए कि उसकी युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी आज सड़कों पर उतरकर अपने रोजगार के लिए आज गाड़ी साफ कर रही है। यही इस देश का भविष्य है। ये सरकार को आप देखना चाहिए कि उसका देश का भविष्य आज कहाँ जा रहा है। सहारनपुर में बुधवार को भारतीय किसान मजदूर मंच की एक बैठक का आयोजन हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसमें भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए महिला मोर्चा का गठन करते हुए शाइस्ता को महानगर अध्यक्ष, तबस्सुम शाबिया व हिना को महानगर उपाध्यक्ष बनाया तथा बुशरा शबनम खुशनसीब को महामंत्री, समरजहाँ परवीना शाहिना काजल संगीता शिखा को सचिव बनाया गया। आज का जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए, भारतीय किसान मजदूर मंच का महिला संगठन मजबूत करने के लिए आज महिला संगठन का विस्तार किया गया है। तो कुछ हमने अपने जो हमारे जुझारू कार्यकर्ता हैं उनको महानगर में पद बांटे गए हैं, ताकि ये महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें, महिलाओं को न्याय दिला सकें, महिलाओं के लिए खड़ी हो सकें, महिलाओं का शोषण बंद कराएं और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आज हमने जो है महिला ब्रिगेड का जो गठन किया है, ये पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम करेंगी और जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिलेंगी कि महिलाओं पर। सहारनपुर में चाइल्डलाइन द्वारा रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का आयोजन जैन कॉलेज रोड स्थित एक सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपनिदेशक महिला कल्याण विभाग पुष्पेंद्र सिंह व बैठक का संचालन चाइल्डलाइन के निदेशक मंसूर हुसैन ने किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों को किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति है, साथ ही बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उन्हीं पर भविष्य में देश की उन्नति निर्भर होती है। उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित करना अभिभावकों का ही नहीं देश की सरकार का भी कर्तव्य है और इसके लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्यों में शामिल कर अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया है। मैं मंसूर सिंह, डायरेक्टर चाइल्डलाइन सहारनपुर। आज हमारा जो ये बैठक है हितधारकों की बैठक का कार्यशाला का आयोजन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाल हित में काम करना। जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में, समाज में कि बच्चे काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं, उन्हें रोकना, जो बच्चे पढ़ाई से वंचित होते हैं उन्हें पढ़ाई से जोड़ना और जो उनके राइट्स हैं, चाहे पोषण का है, न्यूट्रिशन का है, शिक्षा का, वो दिलाना, ये मेन उद्देश्य आज बैठक का है, ताकि ये जो बच्चों के अधिकार से बच्चे वंचित ना रहें और जो मुख्य धारा से उससे ना हटें और मुख्य धारा से जुड़े रहें। यही प्रयास है इस मीटिंग का और हम यही करते रहेंगे। जो बच्चे गुमशुदा हैं उन्हें माता पिता से मिलाना और जो माता पिता नहीं मिलते उन्हें शेल्टर होम देना और हमेशा बच्चों के लिए काम करते हैं। 25 सितंबर को दिल्ली के एक होटल के सभागार में पूनम चुग द्वारा एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड की हीरोइन स्नेहा उलाल द्वारा ब्यूटी के विभिन्न क्षेत्रों में आए आर्टिस्टों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें स्पेशल गेस्ट के रूप में सहारनपुर की पूनम बाली तथा उनकी पुत्री कुमारी दीक्षा को बुलाया गया, जिसमें पूनम बाली को बेस्ट एजुकेटर व मेकअप आर्टिस्ट का सम्मान दिया गया। इसके साथ ही उनकी पुत्री कुमारी दीक्षा को मेकअप आर्टिस्ट के रूप में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। एक बार फिर पूनम बाली व उनकी पुत्री ने
सहारनपुर का नाम रोशन करने का काम किया है। सहारनपुर की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।